नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं आरडी टीवी भारत। आज की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। परंपरा के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजन को जनता के लिए प्रतिबंधित किया गया है। राज्यवादियों का प्रश्न ये है कि क्या ये थीम केवल नाम के लिए होती है या इन पर काम भी किया जाता है। 2019-20 के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को 3,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला। नेशन फर्स्ट की थीम बनाकर पार्टियों के द्वारा हजारों करोड़ का धन अपने प्रचार के लिए लगाना कितना उचित है, आप निर्धारित करें। भारत और अमेरिका ने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और सहायक वाणिज्य सचिव और एनओए के कार्यवाहक प्रशासक डॉक्टर नील ए. जैकब्स ने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत एक अमेरिकी वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि मौसम को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हार्क मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। भाजपा नेता विपिन शर्मा की पत्नी पटना एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। सृजन घोटाला मामले में भाजपा नेता विपिन शर्मा की पत्नी रूबी शर्मा को सीबीआई ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वह इंडिगो एयरलाइंस पर साहिल कुमार के साथ सवार हुई थी और लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना में उतरते ही सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रूबी शर्मा और भागलपुर से गिरफ्तार पूर्णेंदु कुमार को शुक्रवार को सीबीआई की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से दक्षिण अफ्रीका में भड़के दंगे। इस दौरान जो हिंसा और लूटपाट हुई वैसा मंजर देश ने 21वीं सदी में पहले कभी नहीं देखा था। हिंसा में 3 सौभाग्यवती से ज्यादा लोगों की मौत हुई जबकि लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं दिया प्रवेश। नाकों पर चेकिंग। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को आज से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बसें भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद आज से यह व्यवस्था लागू हुई है। बाहरी राज्यों की बसों को नाकों पर चेक किया जा रहा है। हर यात्री की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण देखा जा रहा है। देश में एक तरफ वैक्सीन को स्वैच्छिक बताया जाता है, वहीं दूसरी और अनिवार्य करना, यह कदम कितना सही है और कितना गलत, इस बारे में आप स्वयं विवेचना करें। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें राज्यवादियों का मीडिया मंच आरडी टीवी भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय।